हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डिजिटल डायरीज। और गाइस, आज हम ड्रम स्टिक की रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसे सहजन, जौकी या फिर बहुत से लोग सूटी भी कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि सहजन के पत्ते, फूल और फल को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सहजन के पत्तों और फलों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। सहजन में कई औषधीय गुण भी जाते हैं। तो चलिए पहले इससे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। सहजन मधुमेह को रोकता है, दिल की रक्षा करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, उच्च रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मदद करता है, जिगर की रक्षा करता है, अस्थमा का इलाज करता है और पाचन तंत्र को बढ़ाता है। तो ये हो गई इससे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो चलते हैं किचन की और इसके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सहजन को इस तरह से कट कर लिया है। 4 कटा हुआ आलू, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 चम्मच खसखस को मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है और थोड़ा सा पानी डाला है। आपके पास खसखस ना हो तो आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, फिर इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें कटे हुए प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें कटे हुए सहजन और आलू डालकर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आधा चम्मच मिक्स मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालकर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें आधा कटोरी पानी डालकर थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। जब इसमें पानी सूख जाए तो स्वादानुसार नमक डालकर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद 1 गिलास पानी डालकर सबको अच्छे से मिक्स करके इसे कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। 2 से 3 सीटी आने के बाद दोबारा इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने के बाद मिक्स करेंगे, फिर इसमें पिसा हुआ खसखस डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, मतलब हमारी सब्जी पक गई है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे। तो लीजिए गाइस, हमारी गर्मा गर्म ड्रम स्टिक यानी सहजन की सब्जी तैयार है। आप इसे चावल के साथ सर्व करें। ये तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है ही, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस लगते हैं। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।